सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सहरसा के बड़ियाई पंचायत में जो जय मां भवानी राइस मिल है, आप देख सकते हैं वहां भीषण आग लग गई है। पीछे अभी हम मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगी। यहां के जो मैनेजर है उनसे हम पूछेंगे या जो स्टाफ उनसे पूछेंगे कैसे आग लगी है। आधा घंटा से पहले आग लगा। तो यहाँ का स्टाफ कौन है, यहाँ का मैनेजर कौन है? तो यहाँ बता रहे हैं तकरीबन आधे घंटे से आग लगी है और इन लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई है। ठीक है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यहाँ जो जानकारी मिलकर सामने आई है, तकरीबन आधे घंटे से आग लगी हुई है और आग की घटना कैसे घटी है ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। कुछ शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, कुछ ट्रांसफार्मर के तेल गिरने से बता रहे हैं आग लगा है। ये राइस मिल बड़ियाई पंचायत में स्थित है, आपको हम दिखा सकते हैं। यहाँ सूचना दी गई है फायर ब्रिगेड को, लेकिन तो अब देखना बेहद दिलचस्प आगे होगा कि फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पे कब आती है और आग पे कैसे काबू पाती है। और सौ समय अगर पहुंचती है तो कम से कम क्षति होगी, नहीं तो अगर ज्यादा विलंब हुआ तो यहाँ अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है काफी बना हुआ है, लोगों में डर बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस कदर धुआं और आग की लपट तेज बढ़ रही है। जैसे जैसे हवा तेज चल रही है आग की लपट आगे बढ़ रही है। कितने सारे ये मिल है, आप यहाँ पे बोरी देख सकते हैं, कितनी बोरी रखी हुई है। कितरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा। सूचना मिली आग लगने की राइस मिल में और पुलिस के द्वारा क्या की गई है? कृष्णा राइस मिल के द्वारा जो है सूचना दिया गया है। इनकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्निशामक को जो है आपका स्टेशन को हम सूचना दिए, वहां से जो है अग्निशामक आकर जो है आग पर काबू पा लिया गया। आप ग्राउंड जीरो पर है सर, क्या लगा आग लगने का, क्या कुछ कारण समझ? आग लगने का कारण है कि जो कनेक्टर जो है ट्रांसफार्मर से जो इनका अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसी में जो है आपका किसी प्रकार के फॉल्ट हुआ, इसी से जो है आग लगा है। क्षति जो है इनका जो धान और जो चावल था वो क्षति हुई है इनका। सूचना मिली आपको राइस मिल बड़ियाई में जो आग लगी है जी, जी। इस पे कैसे काबू पाया गया और आप लोग की टीम में कब पहुंची यहाँ? हमारे बड़े पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सह जिला अग्निशाम पदाधिकारी महोदय हमारे मोबाइल फोन पर सूचना दिए कि राइस मिल में भीषण अग्निकांड हुई है। हम तीन गाड़ी के साथ प्रस्थान किए और कम से कम 6 गाड़ी का हम सूचना दे दिए कि घटना स्थल पर भेजा जाए। बार बार यहाँ से फोन जा रही थी कि आग बहुत भीषण है, तो और 6 गाड़ी के एक सुपौल से और 5 थाना से हमने गाड़ी का आदेश दिया, सिमरी बख्तियारपुर से भी 2 गाड़ी का, सब गाड़ी वहाँ से प्रस्थान कर गई थी। आए तो स्थिति तो बहुत विकराल थी, हर जगह जनता की भी भीड़ थी, लेकिन हम लोग जीव जान पर खेल कर और आग को अथक प्रयास के बाद तुरंत नियंत्रित कर लिए और इसे
पूरा कोल्ड राइस मिल को आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं कि सारा संपत्ति को अग्निशमन सेवा आज बचा लिया। आग लगने का कारण का कुछ अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं, इसका जांच हम करेंगे। अभी तो हम मेरा प्रथम उद्देश्य था कि आग पर कैसे काबू पाए। क्षति भी हुई है, क्षति तो देख रहे हैं कि डीजे जो सेट है पूरा सेट है, वो है जी ट्रांसफार्मर है, वो माने वही जो ट्रांसफार्मर यहाँ बहुत बड़ी है और पूरा वो शेड है, वो जली है, पैनल जो है वो तो आग के सामने देख रहे हैं। अब उसका आकलन पहले मेरा प्रथम उद्देश्य होता है कि आग को नियंत्रित कैसे करें, आग को संपत्ति को बचाया जाए कैसे। इस अग्निकांड में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सहरसा कन्हैया आग लगी है, ट्रांसफार्मर के पास शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। इतना बड़ा गोदाम होने के बाद इतनी छोटी लापरवाही क्यों? लापरवाही हम तो प्राथमिक की जो होता है CO2 और ABC और वहाँ पे सिलेंडर था वो डालने के बाद भी नहीं कंट्रोल हो पाया, कंट्रोल नहीं होने के कारण। आग बुझाने वाला आपके पास यंत्र था समुचित? हाँ समुचित यंत्र था। कितने सिलेंडर था फायर ब्रिगेड वाला? 10 ABC और 4 CO2। आग लगने क्षति क्या सामने आ रही है? क्षति सामने ट्रांसफार्मर और पैनल बोर्ड और कंप्रेसर, उसके बाद एक जनरेटर, ये चारों में क्षति नजर आ रही है। अनाज भी कुछ क्षति हुई है? अनाज तो थोड़ा बहुत क्षति हुआ है। क्या नाम है आपका? कृष्णनंदन साहू। क्या है आप यहाँ पे? मैनेजर हैं। कितने मजदूर काम करते हैं आप यहाँ? 40। 40 मजदूर। हाँ। राइस मिल का क्या नाम है? जय मां भवानी राइस मिल। जिस वक्त ये घटना हुई बरियाई सहरसा क्या? हाँ मजदूर लंच पे थे, लंच टाइम में थे। कितना बजे लंच टाइम होता है? लंच टाइम होता है आपको 10:30 बजे गए थे वो खाना खाने, उसके बाद रेस्ट करके तब काम पे आते ही उस टाइम में ही शॉर्ट सर्किट हो गया।